गाइस हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। आज ब्रेकफास्ट में है नूडल्स और ये है रुद्रांश की प्लेट, इसलिए इसमें डालेंगे हम सॉस क्योंकि उसको सॉस के साथ खाना है। ये देखिए उसका ये हम सा नूडल्स रेडी है। रुद्रांश का चल रहा है समर वेकेशन वाला होमवर्क एंड रुद्रांश को दिया गया था स्कूल में वाटर मेलन को कलर करना है, सो वाटर मेलन कलर हो रहा है। मैम ने छोटा बना दिया ना, सीड्स इतने बड़े होते हैं, सीड्स छोटे ही होते हैं। 3 hours later ये अभी रुद्रांश को ना मधुमक्खी ने काट लिया है, ये वाली आई में यहाँ पे काटा है, सांप के ऊपर ही काटा है एंड उसको ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। एंड जब उसको काटा था ना तो इतना तेज रो रहा था ना, वो इतना तेज रो रहा था एंड अभी तो स्वेलिंग आ गई है। मैंने ना इसमें थोड़ा सा लोहा जो रहता है ना उसको घिस के यहाँ पे लगा दिया था, उसके मतलब इस साइड के पोर्शन में ना उसको स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गई है। आप क्यों गए थे मधुमक्खी के पास? उसको भगाने के लिए गया था। अच्छा, उसने आपको भगा दिया है ना? कहाँ कर दिया, छुपा दिया उसको? वो आ रही नहीं, वो तो फेंक दिया। अब कहाँ से, वो उधर दो चार दिन आएगी वो ऐसे चक्कर मार के, लेकिन छत्ता नहीं दिखेगा तो भाग जाएगी। इस सेल दिख रहा है बल्ब के पास, उसमें जा बस स्पीड ऑफ पे ज्यादा। यहाँ यहाँ लगा हुआ था मधुमक्खी का छत्ता, वो तो फेंक गई। अंडा ये फूटा है ना, ये गिर गया वो मना। ये पेड़ों पे है बहुत सारी, पेड़ों के वजह से ही तो आती है ना वो। ये आई बिल्कुल ओपन नहीं हो रही है, पूरी तरीके से बंद हो गई। ये भगा रहे हैं मच्छर वाले बेड से मधुमक्खी को। आज है नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट डे भी रुद्रांश की आई पता है कैसी है, मैं दिखाती हूँ। ये आज तो ना उसकी आँख खुल भी नहीं रही, मतलब आज तो पूरी ही बंद है रात से। थोड़ी थोड़ी खुल रही थी, ऐसे ओपन हो गई थी, नहीं हो रही है ओपन, थोड़ी सी हो गई थी। उसने जो काटा होगा ना तो अब उसका धीरे धीरे उसका असर हो रहा है। तो दोपहर मतलब रात तक तो उसका ठीक था, इतना ज़्यादा स्वेलिंग नहीं थी, बट अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब खुल भी नहीं रही है। नहीं बेटा नहीं, ऐसे ज़बरदस्ती ओपन नहीं करते। एंड रात में ना जब उस मुख का पॉइजन पूरे में फैल रहा होगा ना तब थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो नींद भी नहीं आ रही थी, बार बार उठ के बैठ जा रहा था। वैसे तो शायद इसका असर 2 दिन तक रहता है एंड देखते हैं आज का दिन और देखते हैं, नहीं तो फिर नहीं ठीक होगा तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। खेल रहा है, खाना भी खा लिया उसने, ठीक नहीं होगी कल ठीक होगी। ये मेरे पास थोड़ा सा गेहूं रखा हुआ था, इसमें ना मुझे ऐसा लग रहा है घुन लगना स्टार्ट हो गया, तो मैंने यहाँ बालकनी में फैला दिया है। तो मेरे पास ना थोड़ी सी गेहूं पड़ी हुई थी, उसमें तेलुले होने लगे, मैंने कहा बारिश का टाइम आ रहा है इससे अच्छा मैं थोड़ा सा उसको सुखा लेती हूं। ज्यादा नहीं थी, ज्यादा होती ना तो फिर मैं ऊपर लेके जाती और फिर वो ये ना ऊपर लेके जाओ नीचे लेके आओ, बालकनी में थोड़ी बहुत धूप आ जाती है, तो मैंने यहीं पे फैला दी। अभी मैं खा रही हूँ ये कुकीज और ये है तिल वाली कुकीज एंड अच्छा खासा इसमें ना तिल का टेस्ट आ रहा है, वो काफ़ी टेस्टी भी लग रही है ये वाली कुकीज़। ये देखिए एकदम यमी यमी सी कुकीज़ लग रही है। सो चलिए कुकीज़ खाते हैं पहले एंड मिलते हैं फिर आपको। डिब्बा फिनिश किया है, ऐसे लेके आ गए। क्यों बचा के ले गया? मैं पता है मैं शिमला मिर्च नहीं आज इनको मैंने खाने में शिमला मिर्च रखी हुई थी तो ये ना आके नहीं आया, पूरा रोट टिफिन फिनिश करके नहीं आया। कर लिया क्या था? कर दिया अभी, वो तो मैं चेक करूंगी तो समझ में आ जाएगा। सब्जी बची है पूरी तुम्हारी? सब्जी मतलब इन्होंने सब्जी में से आलू आलू खा लिए, शिमला मिर्च नहीं खाई क्योंकि इनको शिमला मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है। शिमला मिर्च पसंद है बट जो आप पिज्जा में नूडल्स में इनमें डाल के दोगे ना, एक आध पीस ठीक है उनमें डाल के दोगे ना तो खा लेंगे, बट अगर शिमला मिर्च की सब्जी बना दोगे ना तो वो नहीं खाएंगे। तो भाई नीखरा शिमला मिर्च होती है? नीखरा नहीं थी, दो एक आलू डाल दिया और दो शिमला मिर्च डाल दी जी, नहीं शिमला मिर्च एक ही थी, कच्ची होती खाने में भी। पिज्जा में तो बहुत टेस्टी लगती है ना? पिज्जा में आती कहाँ है, वो दो स्लाइस नाम के लिए डलती है, नाम रहता है वेज। अरे वाह, फिल्टर ऐसा लगाया है जैसे करिए आदमी को गोरा बना दिया, इतना करिए काला आदमी हूँ मैं, ऊपर से गोरा बना दिया। देख रहा कैसा दिख रहा है? कुछ भी, आप मेरे फिल्टर को इतना बदनाम कर रहे हो, कैमरे की क्वालिटी है वो, फिल्टर नहीं है ठीक है। अच्छा और आपने इतनी अच्छी क्वालिटी वाला फोन दिलाया तो बस उसकी क्वालिटी झलकती है, बाकी फिल्टर नहीं। पानी नहीं पिया
ये इतने बिजी रहते हैं ना, इनको पानी पीने को भी ऑफिस में टाइम नहीं मिलता है। जूस पिया था जूस के साथ, तो जूस वाले ने मना कर दिया था पानी नहीं पीना। इनको खाना रखो तो खाना बचा के लेके आते हैं, और पानी रखो तो पानी भी बचा के लेके आते हैं। और बोलो तो क्यों नहीं खाया, मैं बहुत बिजी था काम में इसलिए नहीं खाया। एंड आज ये जल्दी आ गए हैं, टाइम हो रहा है अभी 6:30 बजे। जल्दी कहाँ आए, मेरे से बोले थे 5 बजे आऊँगा। अच्छा तो इनका है अभी मीटिंग, और वहाँ तक पिछले सिग्नल तक रहता है। अच्छा तो इनका आज मीटिंग है इसलिए ऑफिस से आ गए हैं जल्दी। 7 बजे से है ना कि 7:30 से, 7:30 बजे से। सो गाइस आज है थर्ड डे, एंड रुद्रांश की आँख आज थोड़ा सा ओपन होना स्टार्ट हुई है, ऐसे देखो थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे और यहाँ की सूजन कम हो गई है, तो थोड़ी थोड़ी आई ओपन हो रही है। मतलब कल तो पूरा दिन ही बंद रही है, एंड आज थोड़ा सा ओपन हो रही है। नहीं एंड इसको यहाँ पे काट लिया था, ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो गया है, एंड सूजन कम हो रही है ना, तो अब उसकी आँख थोड़ा थोड़ा खुलना स्टार्ट हो रही है। देखो इसकी मस्ती लेकिन कम नहीं हुई है। अच्छा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मेरी कब आँख खुले और मैं अपना मिरर में फेस देखूं, हैं? दिखाओ जरा कि मैं टीवी देखूं। अच्छा टीवी देखने के लिए हो आप, सही नहीं करनी आँख। मेरा ये ब्लॉग कैसा सूट हो रहा है मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। 2-3 दिन से चल रहा है। 2-3 दिन से मैं कंटिन्यूसली सूट करते जा रही हूँ, मुझे भी नहीं पता मैंने किसमें कितना सूट किया कितना नहीं किया। मेरा थोड़ा सा मूड भी ख़राब हो गया रुद्रांश की ऐसी हालत देख के ना, मेरा मन भी नहीं हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा जितना भी होगा, 2-3 दिन का शूट है, और हो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।